हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत करे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम पढ़ेंगे पहले वन डायमेंशन मोशन, फिर पढ़ेंगे टू डायमेंशन मोशन, एंड देन कम्स रिलेटिव मोशन, जो कि सबसे बाद में हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करूं उससे पहले, इस चैनल पर आने के लिए, इस चैनल पे ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सभी स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करें, ये मेरी इच्छा भी है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं, खूब बढ़िया से आपको सारे कंसेप्ट समझाऊं, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स, ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो नोट्स है आपको मिलेंगे। अच्छा, सबसे सबसे अच्छी बात ये है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे आए हो तो बिल्कुल आपको बेस्ट पॉसिबल कंटेंट मिलेगा। ये जो नोट्स है ये आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे। आपको नोट्स बनाना ही नहीं है, आपको सारे नोट्स, हर एक टॉपिक के लेक्चर नोट्स अवेलेबल मैं कराऊंगा, और इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन है, खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा स्टूडेंट्स। इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर आप साथ मेहनत कर ले तो एग्जाम डरने लग जाएगा आपसे। इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम पे एक और चैनल है, इसको आप उस चैनल पर जाना होगा और उसको ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जाएं स्टूडेंट्स और उस चैनल को भी डाउनलोड करें, उस चैनल को भी ज्वाइन करें, और सभी लेक्चर नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे प्यारे नोट्स मैंने आप लोग, अब सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। तो आप लोग साथ में मेहनत करो स्टूडेंट्स मेरे, और हम देखना नीट, तो क्या नीट को तो हम बिल्कुल, नीट और जेई दोनों हम फोड़ देंगे स्टूडेंट्स मिलकर। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स। सबसे पहले क्या होता है काइनेमैटिक्स, का मतलब क्या होता है? काइनेमैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, मोशन का एनालिसिस। एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, वो चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, गाड़ी है, चल रही है, तो बात क्या है यहाँ पे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन, विदाउट नोइंग द कॉज। एक्चुअली मोशन का कॉज क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट चलना तभी स्टार्ट करता है जब आप उस पर कुछ फोर्स लगाते हो बाबा, बट हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की, हम बात करेंगे इसकी वेलोसिटी की, हम बात करेंगे इसके एक्सेलरेशन की, हम बात करेंगे पोजीशन की। तो स्टूडेंट्स, कितने सारे पैरामीटर मोशन को समझने के लिए जितने भी पैरामीटर्स चाहिए होते हैं ना, वो सब। अब कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जरा मैं आपसे पूछूं तो, पोजीशन, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और क्या क्या, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, ये सब, ये सब पैरामीटर्स है स्टूडेंट्स। अगर आपको मोशन को समझना है तो इन सभी पैरामीटर्स की अच्छी समझ होना चाहिए, तो हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो एक बार मैं इसे हटाता हूँ, यहाँ पे मैं ये जगह यूज करूंगा आपको कुछ समझाने के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन, आपको पता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। आप सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं कि मोशन क्या होता है और रेस्ट में होना क्या होता है, व्हाट इज मोशन। देखो स्टूडेंट्स, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ आपके रेस्पेक्ट में, है ना, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ पर खड़े हो और ये एक लाइन है जिस पर एक दूसरा पर्सन है जो चल रहा है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो अभी आप देख रहे हो ये आपके सामने यहाँ पर है, ये इसकी पोजीशन है इनिशियली, फिर ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये यहाँ पहुंच गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन, अभी भी चल रहा होगा। तो अब देखो पोजीशन अब ये हो गई, अब आपको इस पर्सन को, इसको देखने के लिए किधर देखना पड़ रहा है, इधर, पहले आपको यहाँ देखना पड़ रहा था और अब आपको यहाँ देखना पड़ रहा है, फिर जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा,
तो यहां से फिर आप यहां के देख रहे हो, फिर इधर देख रहे हो, तो आपकी आंखें ऐसी घूम रही है, समझ रहे हो आप। तो यहां पे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है ना स्टूडेंट्स, आपके रेस्पेक्ट में, ये होगी फाइनल पोजीशन। तो ये पोजीशन मतलब डिस्टेंस भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। पोजीशन चेंज होगी तो आप बोलोगे पार्टिकल मोशन में है। और अगर मान लेते हैं पोजीशन यही की यही रहती, सपोज पोजीशन चेंज ही नहीं होती, यही पोजीशन रहती, तो अगर ये पार्टिकल आपके रेस्पेक्ट में इधर ही है और सेम डिस्टेंस पर है तो ये रेस्ट पे नहीं कहलाएगा। लेकिन क्योंकि ये अभी यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां चला गया, आप देख रहे हो ना ये पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पोजीशन चेंज होगी तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। पोजीशन चेंज नहीं होगी तब बोलोगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये मोशन और रेस्ट दोनों बड़ी रिलेटिव टर्म है। मैं समझाता हूँ कैसे कैसे, अभी आऊंगा इस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, और अपने आप समझ में आ जाएगा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी। देखो ये सपोज एक बस है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, ये मैं हूँ और ये है मेरी गर्लफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड। तो क्या हो रहा है कि जो बस है ये इधर जा रही है, यहाँ पर एक पर्सन और है, इसको नाम देते हैं सी, ये गर्लफ्रेंड हो गई तो इसको नाम दे दिया अपन ने बी। तो अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है, आप बताओ कि मेरे रेस्पेक्ट में ये चल रही है कि रुकी है, मेरे रेस्पेक्ट में मेरी गर्लफ्रेंड चल रही है कि रुकी है। स्टूडेंट्स रुकी हुई है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है बिल्कुल। आप जैसे कहीं जा रहे हो, आपके सामने वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है, तो आपको चलते हुए दिखता है कि वो रुका हुआ दिखता है, ऑब्वियसली वो रुका हुआ बैठा बैठा हुआ है ना आपके सामने। आप क्यों बोल रहे हो बैठा हुआ, क्योंकि वो रेस्ट पर है, राइट। तो अगर सपोज आप यहाँ बैठे हो और वो सामने जो अंकल है वो यहाँ बैठे हैं, वो अगर यहां से अपनी प्लेस को चेंज करके यहां पहुंच जाते हैं, तो आप बोलोगे हाँ ये चल गए, अब ये मोशन में आ गए, उनकी पोजीशन चेंज हो गई ना। तो अभी देखो, अभी तो ये आप हो और सामने अंकल है, ये ऐसे ही है, भले पूरी ट्रेन चल रही है लेकिन आपके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है ना। तो सिमिलरली मेरे रेस्पेक्ट में मेरी गर्लफ्रेंड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में मेरी गर्लफ्रेंड की जो पोजीशन है ना चेंज हो रही है, क्योंकि ये बस आगे जा रही है, कुछ देर बाद मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे होगी और इससे वो दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है ना। मतलब पहली बात तो इसके लिए बड़ा दुख दुख का कारण है, बेचारा निराश हो रहा होगा मन ही मन, ओके दैट्स ओके, बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैं तो यहीं पे हूँ, बस के साथ चल रहा हूँ, ये हूँ। मेरे रेस्पेक्ट में मेरी गर्लफ्रेंड कहीं नहीं जा रही है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में मेरी गर्लफ्रेंड दूर जा रही है, तो चल रही है ना, चल रही है ना, बात समझ रहे हो, चल रही है। तो अब देख रहे हो कि ये जो मेरा फ्रेंड था, उसके रेस्पेक्ट में जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो चल रही है, मोशन में है, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही पर्सन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, दो अलग अलग पर्सन के लिए रेस्ट पे और मोशन पर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसलिए हमने क्या कहा, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स विच डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिस जगह से हम देख रहे होते हैं, जिस जगह से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मेरे फ्रेम में मेरे साथ एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दो, बस, तो मैं ये क्या बन गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या बन गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक घड़ी दे दो मुझे ताकि मैं टाइम भी मेजर कर लूँ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है स्टूडेंट्स। सो इट इज द रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजिशन और द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड। अगर कहीं पर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं मिले, तो ध्यान रखना कि ग्राउंड को ही हम रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस फ्रेम। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ मोशन,
सबसे पहले इस चैप्टर में बताया था हम पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या होता है वन डायमेंशनल मोशन? तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन। स्टूडेंट्स देखो, जैसे ये एक लाइन है और इस लाइन पर ये एक स्टूडेंट है जो चले जा रहा है, जो चले जा रहा है कंटिन्यूसली। तो ये मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ये मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये या तो अगर ये हम कहते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये अगर माइनस एक्स एक्सिस है तो पार्टिकल या तो आगे जा रहा है एक्सिस के अलावा, अगर ये हमेशा एक्सिस पर ही चलता है तो हम बोलेंगे मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ, ये वाई के अलॉन्ग भी चल सकता है और ये जेड के अलॉन्ग भी चल सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, और कहीं बीच में भी चल सकता है, बट चलना चाहिए एक लाइन के अलॉन्ग। समझे बात को? ये तो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन जो हमें पढ़ना है। तो बॉडी, सपोज आपने एक बॉल है उसको छोड़ दिया, तो छोड़ देते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड आता ही नहीं आता नीचे नीचे, ये मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, तो अब देखो स्टूडेंट्स, एक टू डी मोशन क्या होता है? टू डी मोशन, टू डी मोशन मतलब मोशन इन ए प्लेन। सपोज आप टीवी देख रहे हो, है ना, या फिर आप सपोज क्लास में पढ़ रहे हो और ये है बोर्ड और यहाँ पे ये एक चींटी है। चींटी को कैसे बनाऊं मैं? आदमी से बनाऊं? चलो बना दिया। ये छोटा सा लिलीपुटियन है। क्या है ये? लिलीपुटियन। तो ये यहां से बोर्ड पर ऐसे ऐसे चल रहा है, चल रहा है। तो ये देख रहे हो आप, इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स और वाई, है ना। फिर ये कभी और पहुंच जाएगा, ये एक्स वन और उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई वन हो जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाऊंगा एक्स थ्री वाई थ्री। तो हम देख रहे हैं कि इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। जब चलता है तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज होता है, ऐसे मोशन को बोलते हैं टू डी मोशन। तो मैं आपको कह रहा था कि आप टीवी देख रहे हो और आप टीवी के ऊपर सपोज एक मक्खी है जो ऐसे ऐसे चल रही है इसके ऊपर, तो वो कैसा मोशन कर रही है? वो टू डी मोशन करी। जबकि वन डायमेंशन मोशन में पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बताना पड़ रहा है। सपोज एक्स इजिकल टू 0 है, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया एक्स इजिकल टू 2 मीटर पे, तो इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए, ना वाई बताना है ना जेड बताना है। सपोज ये यहाँ आ गया वापस, तो मैं लिख दूंगा एक्स इजिकल टू -2। तो पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए था, इसलिए ये था वन डायमेंशन मोशन। ये हो गया टू डायमेंशन मोशन। और आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि थ्री डायमेंशन मोशन में मुझे अगर मोशन को एक्सप्लेन करना है तो मुझे एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए और जेड भी चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि एक पंछी है जो हवा में उड़ गया, कुछ भी कैसा भी मोशन हो जाए, अगर आप थ्री डायमेंशन में चले गए तो एक्स और वाई और जेड कोऑर्डिनेट तीनों चाहिए आपको उसकी पोजीशन को मार्क करने के लिए। तो ये तो हो गया। हमारा काम क्या है? हमें तो पढ़ना है भैया वन डायमेंशन मोशन। अब चलो स्टूडेंट्स, अब हम वन डायमेंशन मोशन को स्टार्ट करें, उससे पहले हमें बेसिक कुछ बातें सीखनी पड़ेगी, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम आ गए हैं एक्चुअल चीज जो हमें पढ़नी है, जो हमें सीखनी है। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसी पे हमारा पूरा का पूरा वीडियो ये डेडिकेटेड है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी और द ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल, है ना। जो भी पाथ कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है, वहां से पार्टिकल चलता है और बी पॉइंट तक पहुंचता है, बी पॉइंट तक पहुंचता है। तो ए से लेकर बी पर ये जब पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वो होगा जो लाइन है इसकी लेंथ, इसकी लाइन। तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर ये मेजर करना है कि ये पाथ कितना बड़ा है, डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या करो, एक धागा लो और उस धागे को ऐसे बिछा दो जैसे मैं बिछा रहा हूं। ये धागे की लंबाई जितनी हमें लग जाएगी ना, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। एक्चुअली क्या हो गया, लेंथ ऑफ द पाथ मतलब ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर। हम क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेप को में कितना डिस्टेंस अपने ट्रेवल किया, कितनी लेंथ
कवर करी उसको आप कहते हो डिस्टेंस। तो आप अगर इस रास्ते से गए तो आपका डिस्टेंस कुछ हो गया सपोज D1, लेकिन आपने अगर पाथ चेंज कर लिया तो डिस्टेंस हो जाएगा ये, वो डिस्टेंस थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा, अच्छा और चलना पड़ेगा अगर आप ऐसे जाओगे तो। कुछ समझ रहे हो? जितना दूर दूर से जाओगे उतना आप क्या बोल रहे हो, डिस्टेंस बढ़ेगा ना, उतना लेंथ कवर करनी पड़ेगी ना। तो अगर मैं, अगर ये पाथ है ये वाला, तो अगर मैं यहाँ पे रस्सी को बिछाऊंगा इस तरीके से तो रस्सी की लेंथ बड़ी होगी ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज यहाँ से आप गए चाइना, चांदनी चौक टू चाइना ऐसा, फिर आप यहाँ से गए भोपाल आ गए क्या आप? ओके, ये था चांदनी चौक मतलब दिल्ली। फिर आप यहाँ से कहीं पहुंच गए लंदन, और फिर आप वापस आ गए कोटा। कोटा आपको पता ही है, कोटा इज द एजुकेशन हब ऑफ इंडिया। तो आप ऐसे ऐसे घूमते हुए गए, आपसे कोई पूछे टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस होता है ये, आप क्या करो, एक धागा लो और बिछा दो ऐसे, बिछाओ इस रास्ते पर, बिछाओ इस रास्ते पर। तो अब देख लो इस धागे की पूरी लंबाई जो होगी ना वही डिस्टेंस है। लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप समझ गए? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, क्या मैंने यहाँ पे डायरेक्शन की बात करी स्टूडेंट्स? आपको स्केलर वेक्टर समझता है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको समझने के लिए, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। लेकिन क्या यहां मैंने पूरे ही ये डिस्कशन में क्या डायरेक्शन के बारे में बात करी? नहीं, नहीं करी ना। सिर्फ मैंने बात करी कि कितना लेंथ ऑफ द पाथ रहा है, उतनी ही बात करी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि वो पाथ क्या ट्रेवल कर रहा है। आपने देखा, इस पाथ से जाओगे तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा, इस पाथ से जाओगे तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस कब ट्रेवल करना पड़ेगा स्टूडेंट? देखो, इससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ सकता है क्या? इससे कम डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं करना पड़ेगा। इसको पाथ 3 बोल दो, तो डिस्टेंस इन द पाथ 3 मैं लिखूंगा, ये जो डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस मिनिमम है, इससे कम डिस्टेंस हो सकता ही नहीं है। आप जरा सा भी इस रास्ते से डेविएट कर गए तो आपने ये डिस्टेंस ज्यादा चल लिया, ये है ना। तो आपको अगर मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ये यहाँ जाओगे मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ जाओगे और ज्यादा डिस्टेंस, और पाथ बदलोगे और डिस्टेंस। आप खूब घूम घूम के जाओ, आपका पाथ जो डिस्टेंस है बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, एक बात हो, डिस्टेंस हमें पता लग गया कि पाथ पर डिपेंड करता है, मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट पॉसिबल है। अलग अलग पाथ इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है कि नहीं, ऐसे भी जाने के लिए, इसलिए डिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है भैया। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता टाइम के साथ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मैं T = चलना स्टार्ट किया यहाँ से, अच्छा यहाँ ये तो एग्जाम्पल बनाऊंगा ना, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ और चाइना पहुंच गया, ठीक। तो मैं अगर मान लेते हैं रुक गया अभी, तो डिस्टेंस तो चलो नहीं बढ़ रहा लेकिन डिक्रीज भी नहीं कर रहा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैं बढ़ने लगूंगा तो लेंथ ऑफ द पाथ तो बढ़ने लग जाएगा ना। देखो मैं बढ़ते जा रहा हूँ, अब देख रहे हो लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बढ़ते ही जा रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं वापस आऊंगा ना, अगर मैं वापस आऊंगा तो भी लेंथ ऑफ द पाथ तो बढ़ ही रहा है। देखो यहाँ से मैं आगे जाऊं, मैं एक दूसरे पेन से बनाता हूँ, ऐसे जाके मैं लौट के आ रहा हूँ, तो जरा देखो कि मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, इतना, ठीक है। आप और आगे गए, यहाँ पहुंच गए, फिर डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया आपका। अब आप वापस आ रहे हो, सपोज वापस आ रहे हो ना, यहाँ पहुंच के आप वापस आ रहे हो, तो अब यहाँ पहुंच गए, तो अब देखो जरा, देखो जरा, देखो यहाँ से जब आप वापस आओगे तो डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा ना। कितना डिस्टेंस बढ़ गया? ये अगर डी है, जितना मैंने रेड से मार्क किया हुआ है ये डी है, तो थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा ये डी, एक्स थोड़ा सा और बढ़ गया तो ये एड ही हो गया ना स्टूडेंट्स। आप जितने कदम बढ़ाओगे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। आप ऐसे जाओ, आप कदम बढ़ाओ, वापस आ रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप आगे जाके वापस आ रहे हो, वापस आ रहे हो, लेकिन आप कदम तो बढ़ाए जा रहे हो, रस्सी की लेंथ तो बढ़ते जा रही है, तो
फिर आप आगे बढ़े, ये डिस्टेंस इतना बढ़ गया, फिर आप आगे बढ़े, ये डिस्टेंस इतना बढ़ गया, फिर आप आगे बढ़े, डिस्टेंस बढ़ गया। अब भले यहाँ पर वापस आ जाओ, जिस जगह से चलना स्टार्ट किए थे, अब वहाँ पर वापस आ जाओ, लेकिन अगर ये डिस्टेंस पूरा एल है, तो आप बोलोगे यहाँ से वापस आने तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? डिस्टेंस आपने 2L कवर कर लिया। डिस्टेंस नेवर डिक्रीसेस, भले आप चल के वापस भी आ जाओ अपनी जगह पे, तभी डिस्टेंस कितना हो गया? बढ़ ही रहा था, बढ़ ही रहा था, बढ़ ही रहा था। डिस्टेंस नेवर डिक्रीसेस। हाँ, डिस्टेंस बढ़ना बंद हो सकता है, मतलब आप कहीं रुक जाओ यहाँ पे, तो अब डिस्टेंस आपका जो भी हो चुका है वो टाइम बढ़ नहीं रहा होगा, ओके, पर घट कभी नहीं सकता। आप सोचो कि यहाँ से जाऊँ और वापस आने की कोशिश करूँ तो डिस्टेंस घट जाएगा ना, डिस्टेंस बढ़ गया। ये अगर 2 मीटर था पूरा और ये 1 मीटर था, तो डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। फिर आप यहाँ से और 1 मीटर आ जाओ, या फिर ठीक है 1 मीटर कर दूंगा तो ये मेन पोजिशन पे आता, लेकिन आप 1 मीटर और बढ़ जाते तो डिस्टेंस बढ़ता ही बढ़ता। आई होप स्टूडेंट, मैंने डिस्टेंस पे बहुत समय दे दिया, अब हमें जाना चाहिए डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है भाई? तो मैं पहले तो डेफिनेशन बोल देता हूँ। ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। जरा ऊपर आता हूँ डायग्राम में, देखो भैया, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम कभी कभार डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो मैंने वेक्टर बनाया हुआ है ना स्टूडेंट्स, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। आप चले तो ऐसे थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे चले इससे कोई मतलब नहीं, आप ऐसे जाओ यार, पाकिस्तान होते हुए जाओ आप। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली है शिफ्ट इन पोजीशन एक प्रकार से, है ना। सो एक्चुअल में इट इज क्या है ये, शिफ्ट इन पोजीशन। इट इज सिंपली शिफ्ट इन पोजीशन। जैसे आप यहां से फाइनली यहां गए ना, तो आप किधर शिफ्ट हो गए? आप कोटा शिफ्ट हो गए। किधर शिफ्ट हुए? जब आप शिफ्ट हुए बोलते हो तो आपको बताना पड़ता है आप किधर शिफ्ट हुए, है ना। आप क्लास में बैठे हुए, क्लास है, और इस क्लासरूम में आप यहां बैठे थे, फिर आप यहां चले गए, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा भैया आप शिफ्ट तो हुए हो, पर शिफ्ट बताते ना, बताना पड़ता किधर शिफ्ट हुए। आप इधर शिफ्ट हुए, आप इधर शिफ्ट हुए, डी डिस्टेंस पर किधर शिफ्ट हुए। तो शिफ्ट इन पोजीशन, शिफ्ट इन पोजीशन, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट। और इसकी डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये लेंथ, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसकी लेंथ क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। जरा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ये देखो इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। आप इस रास्ते से गए, डिस्टेंस आपको पता है, चलो D1 बोल दिया। आप इस रास्ते से गए, डिस्टेंस आपने बोल दिया D2। आप इस रास्ते से गए, डिस्टेंस D3। अब देखो डिस्टेंस सब अलग-अलग है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कि आप किधर शिफ्ट हुए, आप कैसे गए उससे मतलब नहीं है, किधर शिफ्ट हुए। मैं बोलूंगा यहां से यहां शिफ्ट हुआ हूं, एरो बनाना पड़ेगा ना, यहां से यहां शिफ्ट हुआ हूं। मैं इधर भी शिफ्ट हो सकता था सी पॉइंट पे, अगर मैं सी पे शिफ्ट हुआ होता तो बोलता उसको मैं ए से सी पे शिफ्ट हुआ हूं, सी की तरफ एरो बनाना पड़ता, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहां पे ऐसा हो जाता। इसको S2 बोलूंगा, इसको S1 बोलूंगा, समझे ना बात को। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शिफ्ट इन पोजीशन। और वो क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो आप ये बताओ, आप पहले पाथ से गए यहां पर, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2 मीटर, फॉर एग्जाम्पल, ये डिस्टेंस 2 मीटर, आप पाथ नंबर 1 से गए, है ना, तो आपका डिस्टेंस तो D1 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट यही है डिस्प्लेसमेंट। आप ए से लेके बी की तरफ गए, किधर शिफ्ट हुए? ए से लेके बी की तरफ। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड? 2 मीटर। आप पाथ 2 से चले गए, यहां आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप गए हो ऐसे, ठीक है भैया गए हो, लेकिन किधर शिफ्ट हुए? आप ए से लेके बी की तरफ शिफ्ट हुए, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना? इतना ही होगा। आप किसी भी पाथ से चले जाओ, ऐसे घूमते हुए चले जाओ,
आप किधर शिफ्ट हुए? ए से बी की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका? 2 मीटर ही होगा हर बार, और ए से लेके बी की तरफ। तो स्टूडेंट, आप समझ में आया कि आप कोई भी पाथ पकड़ लो, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में सेम वैल्यू रखता है। आप ए से लेकर बी जाना चाहते हो, आप जाओ पाथ नंबर 1 से, आप जाओ पाथ नंबर 2 से, आप ये पाथ नंबर 2 नीचे है भाई, 2 से और पाथ नंबर 3 से भी जाओ। आपका डिस्प्लेसमेंट हर एक केस में क्या होने वाला है? ए से लेकर बी की तरफ ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। रुको स्टूडेंट्स, ये और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यूनिक होगी। ए बी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये जो ए बी है ना, उसकी लेंथ के बराबर होगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जॉइन करने वाले लाइन की लेंथ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो क्या क्या बातें हमने डिस्कस करी है, जरा देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इस डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। इस वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। डायरेक्शन फिर क्या है? ये शिफ्ट इन पोजिशन। ओके, इट्स वैल्यू इज यूनिक बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। उसकी वैल्यू क्या होती है? यूनिक। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है, घट सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे? देखो ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा था ना, आप सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और फिर आप घूम के वापस भी आ रहे हैं, है ना। मैं थोड़ा डायग्राम को ठीक से बनाता हूँ। ये तो थोड़ा सा करना पड़ता है ऐसे। चलिए ऐसे, तो आप कहाँ से चलना स्टार्ट किए? यहाँ चलना स्टार्ट किए, ऐसे गए और फिर ऐसे आए। अब आप देखो स्टूडेंट, आप पहले मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करूंगा, इतना कर देता हूँ तो ठीक रहेगा। आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, सपोज ये डिस्टेंस है आपका 8 मीटर और ये डिस्टेंस सपोज है 5 मीटर, ठीक। आप चलना स्टार्ट करते हो यहाँ से, आप पहुँचे पहले यहाँ पर, ठीक। जब तक आप सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो आपका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस भी कितना है? 8 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस भी 8 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 8 मीटर है। लेकिन जब आप ऐसे चल के घूम के वापस आने लग गए, ऐसे यहाँ पर आ गए आप फाइनली, तो आप देखो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। अच्छा पहले डिस्टेंस की बात करता हूँ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पहले आप यहाँ से यहाँ गए 8, 8 डिस्टेंस चला, फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको 8 + 5 13, मतलब 8 + आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है स्टूडेंट्स? ए से लेकर सी तक, बीच में बी बोल देता हूँ, डिस्टेंस आपका हुआ है 8 + 5 मीटर, राइट, 8 + 5 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? ये रहा इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये। सिर्फ इतना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ कितनी है? 8 - 3 है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये है डिस्प्लेसमेंट। समझे ना बात को? तो डिस्प्लेसमेंट आपसे कोई बोलता है तो वो होगा 8 - 5, समझे? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जब तक यहां से यहां जा रहे थे तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब आप वापस आने लग गए तो डिस्प्लेसमेंट घटना स्टार्ट हो गया। देखो डिस्प्लेसमेंट ये रह गया। आप और पास में आ जाते, सपोज आप यहां से यहां आ जाते तो डिस्प्लेसमेंट ये रह जाता। आप सपोज यहां से यहां आ जाते पूरा ऐसे जाके ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रह जाता। अगर आप जहां चले वहीं पे वापस आ गए तो आप शिफ्ट हुए क्या? शिफ्ट ही नहीं हुए आप, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा ना। आई होप स्टूडेंट्स आपको मस्त समझ में आ गया होगा। और अब बारी है इसको देखने की। तो ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, अरे लिखूंगा मैं इससे, एक एक पॉइंट आपको समझना है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट समझा दिए। स्केलर है, डिपेंड्स ऑन द पाथ, मूविंग ऑलवेज इंक्रीज डिक्रीज। कोई समझ में ना आए कमेंट में लिख दो, वही जवाब दूंगा मैं आपको सीधे। पर ये वही बात है जो मैंने ऊपर लिख दी है, ये आपके लिए है, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर, उससे पहले एक दो, अच्छा, कुछ बातें हैं स्टूडेंट्स तो समझना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा या बराबर हो सकता है। बराबर किस केस में होगा जरा वो ध्यान दे दो।
बराबर सिर्फ उसी केस में हो सकता है, मान लेते हैं एक पार्टिकल जा रहा है ऐसे, तो अगर वो एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है लगातार, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ऐसे में आप देख रहे हो कि अगर ये 4 मीटर है चल गया, तो डिस्टेंस भी वही है, डिस्टेंस कितना है 4 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ भी 4 मीटर ही है, ये सारे एरो एक ही मीटर के। लेकिन सपोज स्टूडेंट्स ये वापस आने लग जाए ऐसे, फिर ये वापस आने लग जाए, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स कि अगर ये एक कदम भी वापस आता है, मैं तो एक कदम ही वापस, इसका एक कदम 1 मीटर का मान लेते हैं, अगर ये एक कदम भी वापस आता है चल के, हाँ ऐसे गया था 4 मीटर, और ये एक कदम भी पीछे आ जाता है ना, तो क्या रह जाता है, 4 माइनस 1, ये अगर 1 मीटर है तो रह जाता है 3 मीटर। देखा, वो हर कदम आगे बढ़ा रहा था, हर कदम आगे बढ़ा रहा था इस तरीके से, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था, एक फिर दो, एक फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर उसने एक कदम भी अगर वापस कर दिया यहाँ से वापस, तो अब देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर, लेकिन डिस्टेंस 4 प्लस 5, टोटल 5 मीटर हो जाता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ज्यादा ही रहा। आप समझ गए, डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा या बराबर हो सकता है, किस केस में, अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, तो अगर बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, ये भी बोला बहुत जरूरी है, यहां लिखता हूं मैं, इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, समझे बात को। हाँ अब स्टूडेंट्स हम आएंगे पोजीशन पे, जरा एक फोन को बंद कर देता हूँ। पोजीशन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, पोजीशन कैसे लिखते हैं, बहुत ही इजी है पोजीशन स्टूडेंट्स। पोजीशन ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पर खड़े हो, और मैं जरा इसको रेड पेन से बनाता हूँ, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, अगर आपको ए की पोजीशन बताना है किसी को, तो आप ए की तरफ फिंगर नहीं करोगे इस तरीके से, वो रहा ए इस तरीके से, तो ए की तरफ फिंगर करके बताना पड़ेगा ए वहाँ पे है ना, और उसकी पोजीशन को बताने के लिए आपको दूरी भी बतानी पड़ेगी, भैया ये इतना दूर है, आर ए दूरी पर है। वैसे अगर बी की पोजीशन बतानी है, तो आपको फिर यहाँ पे एक एरो करके बताना पड़ेगा, भैया देखो इधर है ना, आपको ऐसे एरो करके बताना पड़ेगा कि भैया उधर है इस तरीके से। तो पोजीशन बताने के लिए आपको हमेशा डायरेक्शन बतानी पड़ती है और मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है कि ये डिस्टेंस कितना है भैया, राइट। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ पोजीशन के लिए, आप सपोज अपने, ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, और आप स्कूल से निकले, आपको अपने दोस्त को बताना है आपका घर का पता, आपने कहा भैया मेरा बर्थडे है कल आना है तुझे, तो आप क्या करोगे, आप उसको बोलोगे मेरा घर यहाँ से, सपोज आपने ऐसा बोला कि मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, सिर्फ आपने इतना ही बोला कि मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है आ जाना। ये बताओ अगर आपका दोस्त कभी आपके घर पहले नहीं गया और आपने सिर्फ इतना बताया कि मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से स्कूल के गेट से, तो क्या वो पहुंच जाएगा आपके घर पे, नहीं पहुंचेगा, जिंदगी में नहीं पहुंच पाएगा वो, पहले जब बाहर निकलेगा तो इधर जाऊं 2 किलोमीटर, कि इधर जाऊं, 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 किधर जाऊं, इनफाइनाइट डायरेक्शन है उसके पास चूज करने के लिए। अगर वो चला गया इस तरीके से, तो जब तक आपने डायरेक्शन नहीं बताया स्टूडेंट, वो सही जगह पहुंचेगा नहीं। सपोज आपका घर है बस टुवर्ड्स राइट, ये आपका घर जो है ना, मैं जरा घर बनाता हूँ अच्छे से, कैसे बनाते घर, ऐसे बनाते, ये रहा आपका घर, तो आपको इतना बताना है बेटा, बेटा नहीं दोस्त है, जो भी नाम है उसका, चलो रोहित भाई तुझे स्कूल से निकलेगा तो टुवर्ड्स राइट तू चलना कितना 2 किलोमीटर और मेरा घर आ जाएगा, ऐसा बोलोगे ना तो वो टुवर्ड्स राइट ही जाएगा। तो आपके घर की पोजीशन बताने के लिए आपको डिस्टेंस बताना पड़ा प्लस आपको डायरेक्शन बताना पड़ा, तो कैसा हुआ पोजीशन, कैसी क्वांटिटी हुई, हुई ना वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स, पोजीशन कैसी वेक्टर क्वांटिटी है। और अब आपको आना चाहिए किसी भी, कोई भी पॉइंट है अगर आपको उसे कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आपको उसका पोजीशन वेक्टर बताना आना चाहिए। सबसे पहले मैं जो बातें हमने डिस्कस करी उसको मैं समराइज कर देता हूँ, क्या है पोजीशन,
पोजीशन ए वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। भाई जिस जिस ऑब्जेक्ट को की पोजीशन बताना चाह रहे हो उसकी तरफ ही तो होगा ना पोजीशन। और आपको ऑब्जर्वर, आप देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, आपके रेस्पेक्ट में किसी की ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी होगी, ऐसी होगी। सपोज आप घर में पढ़ाई कर रहे हो रूम पे, आपके पास दीवार पे घड़ी है, तो आपको घड़ी की तरफ घड़ी की पोजीशन बतानी है, तो घड़ी अगर मान लेते हैं यहाँ पर है तो आपको ऐसे पोजीशन नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ये देखो वो रही घड़ी, तो घड़ी की तरफ इशारा नहीं करोगे, घड़ी की तरफ उंगली नहीं करोगे। तो डायरेक्शन हमेशा पोजीशन की टूवर्ड द ऑब्जेक्ट होती है, फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की तरफ। अगर आपको सपोज कोई पार्टिकल है, जैसे पार्टिकल है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, और अगर आपको इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीका होता है। अगर आपको एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर लिखना है और इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो बहुत ही सिंपल है, एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड उसका पोजीशन लिखा जाएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। क्या एक पार्टिकल जिसका कोऑर्डिनेट अगर है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तो उसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सपोज एक पॉइंट है 2, -3, 4, तो अगर उसका मुझे लिखना है पोजीशन वेक्टर तो लिखूंगा 2i-3j-4k। कुछ नहीं किया है, बस इसके साथ i कैप, इसके साथ j कैप, इसके साथ k कैप लगा दिया। हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं अगर ये x y z है तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले x में जाओ, ये मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये 1, 2, 3 है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले 1 मीटर जाओ एक्स में, फिर जाओ वाई में 2 मीटर, फिर जाओ जेड में 3 मीटर। तो ये तरीका है ना, एक्स में जाओ 1 मीटर, वाई में जाओ 2 मीटर, और फिर इस तरीके से हम आ रहे हैं जेड डायरेक्शन में 3 मीटर। तो इस तरीके से आप पोजीशन लिखते हो। आपको ये ध्यान रखना होगा अगर ये 2, -3, 4 है तो 2i-3j-4k। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो पोजीशन वेक्टर हमने लिखना सीख लिया, अगर कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तो आपने उसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिखते आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट होता है शिफ्ट इन पोजीशन। क्या होता है शिफ्ट, शिफ्ट को क्या बोलते हो, चेंज। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट आप क्या कर रहे हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब अगर एक पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है और आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो वो करना क्या है, आपको उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का सब्स्ट्रैक्शन कर देना है। ध्यान रखेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कैसे ये आता है, जरा देख लो। आपको ट्राइंगल लगाते आता होगा स्टूडेंट्स, नहीं? देखो अगर मैं इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाने की कोशिश करूं तो कैसे लिखूंगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल गिव दिस वेक्टर। मतलब क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा आर वन वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर गिव्स आर टू वेक्टर, नहीं? अच्छा ट्राइंगल लॉ आपको याद ही नहीं होगा। ट्राइंगल लॉ कहता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर मिला के क्या देगा, ये आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, कहां गए आप, यहां गए ऐसे। सो इसलिए मैंने लिखा आर वन वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर, और यहां से आपको दिख रहा है कि ए बी क्या हो गया आर टू माइनस आर वन। ये कहानी क्या है, ये कहानी है कि एक पार्टिकल है जो पहले ए पॉइंट पे था, जैसे कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन, फिर वो वहां से बी पे आ गया, उसे कोऑर्डिनेट हो गए बी जो पॉइंट है फाइनल पोजीशन, उसे कोऑर्डिनेट हो गए एक्स टू वाई टू जेड टू। तो वो ए से बी की तरफ आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ स्टूडेंट्स, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए से लेकर बी, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, यही तो होता है। तो डिस्प्ले आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल
और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ और डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ। आप किधर गए? आप ए से बी गए। ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ए बी वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट है, और ए बी वेक्टर कितना हुआ ये आर टू, मतलब आर फाइनल। ये क्या है? आर फाइनल। और ये क्या है? आर इनिशियल। तो आप समझ गए फॉर्मूला कैसे आया। सो ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब तो बस आपको लिखना भर है, इनिशियल पोजीशन जैसे आर वन लेकर आपको लिखना है इनिशियल पोजीशन, तो क्या होगा उसकी कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन। तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। फाइनल पोजीशन फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स टू वाई टू जेड टू। तो स्टूडेंट्स फाइनल पोजीशन क्या हो गई, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। नहीं, अगर हमने सीखा ही था कि अगर वन कॉमा टू कॉमा थ्री अगर वो कोऑर्डिनेट्स हैं तो पोजीशन क्या हो जाएगी, वन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। अब आपको करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब आर टू माइनस आर वन। अब आर टू माइनस आर वन करो ना स्टूडेंट्स, ये माइनस ये, तो आर टू एक्स टू माइनस एक्स वन आएगा पहला टर्म, फिर वाई टू माइनस वाई वन आएगा दूसरा टर्म, फिर जेड टू माइनस जेड वन आएगा तीसरा टर्म। यही तो लिखेंगे ना स्टूडेंट्स। और आपको वेक्टर तो आता ही होगा अच्छे से, वेक्टर में कम से कम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते तो आता ही सबको, ये तो आना ही चाहिए। तो यहां पे ये एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप, ए बी वेक्टर का आप लिखोगे एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, राइट, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर और जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। आपको अच्छे से पता होगा कि अगर एक वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते आना ही चाहिए। और मैं लिख के बता रहा हूँ, ए एक्स इसका स्क्वायर, उसका एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, उसके वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमने लिख दिया। तो अब देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो आपको पता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपको याद हो गया स्टूडेंट्स, ये याद रखना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा अब करेंगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में देना है समय, और यही है क्वेश्चन करके ही आपको आता है कॉन्फिडेंस। देखो एक पार्टिकल है जो कि चलना स्टार्ट करता है 1.1.1 से, और वो रीच कर जाता है कहाँ पहुंच जाता है, 4.5.13 पे। तो ये हो गया उसका इनिशियल और ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन। आपसे बोला गया है बताओ इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख के बताओ, फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख के बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख के बताओ, और बताओ लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बोलना चाह रहे हो, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ? आपको पता है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। आप यहाँ ए से बी जाना था तो आप ऐसे भी जा सकते थे ना, लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा है, वो यही रास्ता है, इससे शॉर्ट कोई रास्ता नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ एक बार आप ट्राई करो, फिर तुम्हें बताऊंगा कैसे ट्राई करोगे। आप वीडियो पॉज करो, 1 मिनट दो, और 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, फिर मैं करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अब मैं सॉल्व करूंगा। आपको मैंने समय दे दिया, आप वीडियो पॉज करके अपना 1 मिनट बिल्कुल ले सकते हो, मैं यहाँ पर रुकूंगा तो जबरदस्ती वीडियो की लेंथ ही बढ़ेगी, है ना, फिर वीडियो और डेटा भी बड़ा हो जाएगा उसका। चलिए सॉल्यूशन, इनिशियल पोजीशन कोई पूछता है तो हमें, मुझे पता है कि इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है, इनिशियल कोऑर्डिनेट है 1.1.1, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट हो गए 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बहुत सिंपल। फिर दूसरा है फाइनल पोजीशन, जो कि बहुत ही सिंपल है, क्या लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेट दे दिए ना यार, जब कोऑर्डिनेट दे दिए 4.5.13, तो मुझे फाइनल पोजीशन लिखने में तो कोई तकलीफ ही नहीं होना चाहिए। तो
फाइनल पोजीशन लिखूंगा मैं 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप। अब देखो, अब आप लिखोगे तीसरा पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और वो भी आपको याद है क्या आया था, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो अब आप देखो क्या लिखोगे, आप लिखोगे भैया x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 ये है x2 और ये है x1। तो इस तरीके से तो 4 माइनस 1 i कैप प्लस क्या लिखोगे आप, 5 माइनस 1 लिखोगे आप j कैप, फिर क्या लिखोगे आप, 13 माइनस 1 आप लिखोगे k कैप, और ये आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। तो देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब लास्ट क्या था, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहता है वो। तो ठीक है ना स्टूडेंट्स, चौथा पार्ट तो हमने सॉल्व कर ही लिया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैं लिखता हूँ पहली बार अच्छे से। क्या आपको याद होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप सॉल्व करो फटाफट फटाफट। तो x2 माइनस x1 आपको पता ही क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया, ये 9 प्लस 16 प्लस 144। ये अगर आप सॉल्व करते हो तो ये खुद जो दो टर्म है ये हो जाता है 25, आ गया है 169। आप खुद कर लो थोड़ा सा, इतना तो आप कर सकते हो। और आपको पता होना चाहिए 169 का अंडर रूट होता है 13। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 13 मीटर, है ना सिंपल स्टूडेंट्स। अच्छा अब मूव ऑन करते हैं, अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का पहले तो आपको ट्राई करना है, मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आपके पास एक दो मिनट लीजिए, आप वीडियो पॉज करो आप, और एक दो मिनट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या समझा देता हूँ, एक पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है यहाँ से, ओ से ओ, फिर ए, फिर क्या है, फिर वो किस तरीके से है, ओ ए बी ओ सी, है ना। तो ओ से ए पे जाता है, फिर बी पे आता है, फिर ओ पे आता है, फिर सी पे आता है, ऐसा है इसका मोशन। ठीक है भैया, तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पाथ, डिफरेंट डिफरेंट पाथ। चलिए स्टूडेंट्स बताएं, तो चलता है पहले वो कहाँ से, वो चलता है, वो चलता है ओ से, ऐसा ये है उसका पाथ। बताइए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज कर लो आप। ओके ओके लेट्स डू इट, आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि वो पहले ए तक जाता है, और ये उसका पाथ है। मैं थोड़ा ठीक से बनाता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, ओ पॉइंट को ये बोल देता हूँ। तो ओ से पहले ए पे जाता है और फिर वो लौट आता है। तो देखो मैंने थोड़ा सा मेरा बनाने का तरीका ऐसा है कि मैं एक ही लाइन पे नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे पता है कि एक ही लाइन पे दिखाऊंगा तो सब बहुत पॉश नहीं हो जाएगा। तो ओ से ए पे गया, और ए के बाद फिर कहीं बीच में बी पॉइंट भी आता है, बी पॉइंट, और फिर वो इधर एक पॉइंट सी है। मतलब पहले ओ से ए पे गया है वो, मैं ज़रा इसको ऐसे बनाता हूँ ना, पहले वो ओ से ए पे गया, फिर यहाँ पे कहीं बी आता है, और फिर यहाँ पे फिर वही ओ है, ये पॉइंट ओ पॉइंट ही है, दोनों का सेम है। तो ऐसे जाके आगे जाके ये, और डिस्टेंस भी दे रखा है इन्होंने, क्या क्या दे रखा है, जैसे ये डिस्टेंस कितना है, ये 4 है, और ये कितना दिया है, ये 3 है, मतलब ये जो लाइन है ये 3 है, और भी कुछ कुछ दिया हुआ है। ये पूरा डिस्टेंस क्या दिया है, 5 है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बाकी डिस्टेंस क्या है। देखो ये डिस्टेंस भी आपको पता ही है,
ये कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा 5 है और ये 3 है तो ये ऑब्वियसली 2 नहीं हो गया, तो लिख देता हूँ वो कितना है 2, ये 2 है हमने निकाला है ये। चलिए सबसे पहले बात हो रही है ओ से ए की, तो ओ से जब वो ए तक पहुँचेगा तो वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में चल रहा है नहीं, तो जब एक ही डायरेक्शन में चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, बराबर बराबर। कितना चला वो 5 मीटर, ये 5 मीटर है ना, तो चला है 5 मीटर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है 5, तो अभी तो लिखूंगा मैं डिस्टेंस भी 5 और डिस्प्लेसमेंट भी 5। अब बात होगी ओ बी की, ओ बी तो जब ओ से लेकर बी पे जाना है, कैसे गया ओ से बी, वो पहले ओ से ए जाता है और फिर वो बी पे आता है, उसका तरीका ये है ना, उसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है ओ फिर ए फिर बी, मतलब रुकता कहाँ पे है वो, पहले पहले वो ओ पे रुकता है फिर वो बी पे रुकता है, ओ ए बी फिर वो ओ पे रुकता है और फिर वो सी पे रुकता है, मैं उसी के हिसाब से चलूंगा। तो अगर ऐसा है तो आप देखो स्टूडेंट्स, ओ से लेकर बी तक जाना है तो पहले वो आगे गया होगा और फिर पीछे भी आया है, तो डायरेक्शन अगर चेंज कर ली तो आपको समझता है स्टूडेंट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। हाँ डिस्टेंस कितना होता है, लेंथ ऑफ द पाथ, तो पहले वो ओ से ए गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ स्टूडेंट्स आपको पता है 5, फिर वो यहाँ से वापस आता है ना, तो पहले वो ऐसे गया 5 ट्रेवल किया और फिर जब वापस आता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको पता है स्टूडेंट्स, ये कितना है, ये 3 है और ये है 5 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्टूडेंट्स उसने, 8 मीटर ट्रेवल किया, तो क्या मैं लिख दूं कि डिस्टेंस कितना है 8, अच्छा डिस्टेंस तो हो गया आपका 8। अब मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो भले आप यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ये यहाँ से पहुँचा तो यहीं पे ना, डिस्प्लेसमेंट होगा ये, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है टूवर्ड राइट और डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ इतना सा, कितना है ये 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 कितना 2, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 2 और डिस्प्लेसमेंट हुआ 8, देख सकते हो आप वीडियो को जरा से रिवर्स करो और आप देख लो। अब ओ से लेकर ओ की देखो, ओ से लेकर ओ मतलब पार्टिकल आगे गया और वापस उसी पॉइंट पे आ गया, ऐसे जाके उसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे अगर आ गया पार्टिकल तो कुछ शिफ्ट हुआ क्या, नहीं ना, कोई पोजीशन में चेंज हुआ क्या, नहीं ना, तो सीधी बात है डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, लेकिन डिस्टेंस ऐड होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस ऐड होता है मतलब वो पहले जब आगे गया तो भी डिस्टेंस 5 मीटर ट्रेवल किया और जब वापस आया तो भी डिस्टेंस 5 मीटर ट्रेवल किया, 5 प्लस 5 कितना हो गया, 5 प्लस 5 हो जाता है 10। फिर फाइनली मैं बात करता हूँ ओ से लेकर सी तक, तो पहले वो ऐसे गया और फिर वो ऐसे चला गया, तो स्टूडेंट जब वो ऐसे गया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 5, फिर जब वो यहाँ से वापस गया तो आप देख रहे हो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ए से लेकर सी, ये 5 है और ये 4 है, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये टोटल ये 9 हो गया, तो पहले 5 आगे गया है और फिर वो 9 पीछे आया है, डिस्टेंस कितना लिखूंगा 5 प्लस 9, क्या लिख दूं स्टूडेंट डिस्टेंस 5 प्लस 9, हाँ डिस्टेंस लिखूंगा 5 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 14 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, पहले वो आगे गया ऐसे फिर वो ऐसे चला गया, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है ये है डिस्प्लेसमेंट, तो इस बार ये डिस्प्लेसमेंट कितना है सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर इन लेंथ लेकिन टूवर्ड्स लेफ्ट, तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, जरा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि हम लिख सकें, ये डिस्प्लेसमेंट होगा इस वाले केस में 4 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट ऐसे। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन और आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स कर लो और फिर समझ लो, कोशिश करी है हर चीज़ का बताने की, अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना है हमें स्टूडेंट्स, ये देखो एक और शानदार क्वेश्चन करना आपको, ये वीडियो पॉज करना है और सॉल्व करना है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर इसका रेडियस आर है, नाउ पूछा क्या है फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, मैं भी दो सॉल्व करूंगा, दो होमवर्क में होंगे आपके, वही काम होगा स्टूडेंट्स, दो होमवर्क में होंगे, तो देखो स्टूडेंट्स
एक पार्टिकल मैं पहले, अच्छा पहले तो आपका काम है कि आप वीडियो पॉज करो, पॉज, फिर 1 मिनट लो और सॉल्व करो, सॉल्व। आपने वीडियो पॉज कर दिया होगा, वीडियो 1 मिनट सॉल्व करने के बाद आप आ भी गए होंगे, क्योंकि मैं अगर इस वीडियो में रुक जाऊंगा तो फिर वो खाली खाली लगेगा एक तो, और वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपका काम है वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो चलना स्टार्ट करता है पार्टिकल सर्कल में। अभी यहाँ पर एक बात देना बहुत ज़रूरी है कि क्लॉकवाइज चला कि एंटी क्लॉकवाइज चला यार। सोल्यूशन में जरा मैं एक लाइन लिख के पता करना चाहता हूँ कि ए से लेकर बी में डिस्टेंस और ए से लेकर बी में डिस्प्लेसमेंट तो कैसे चल रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ ये देना बहुत ज़रूरी था एंटी क्लॉकवाइज। फिर तो मैं समझ गया आप लोग ने भी थोड़ा सा, आपको भी डिफिकल्टी फेस हुई होगी। चलिए मैं समझाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज चलना है ना। तो अब देखो चलना तो ऐसे है, तो जब वो ए से लेकर बी गया तो लेंथ ऑफ द पाथ कितना हो गया, ये रस्सी की लेंथ, ये जो कितना, ये क्वार्टर सर्कल है, इसकी लेंथ आपको पता ही है। आपको पता है कि पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, तो 1/4 लेंथ कितनी होगी, डिवाइड बाय 4, मतलब कितनी, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2 मतलब ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया है पाई आर बाय 2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट भी यही है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ए से लेकर बी गया ना, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से लेकर बी गया, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये है, तो अब मैं आपके सामने बना देता हूं दोनों, ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया बाबा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर लगा दिया मतलब समझ गए वो डिस्प्लेसमेंट लिखा है ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे भैया, देखो जरा ये आर है, ये भी आर है, तो ये क्या होगा भैया, √2 आर नहीं होगा क्या, कैसे निकाला ए बी, ए बी, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाते नहीं आती, अंडर रूट ऑफ क्या लिखूंगा, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आ गया ना √2 आर, √2 आर स्क्वायर अंदर, तो अच्छा वो ये ऐसा वाला आर है राइट। तो फाइनली मैं कहूंगा कि ये कितना हो गया √2 टाइम्स आर, और डिस्टेंस तो मैंने आपको बता ही रखा है, डिस्टेंस कितना होगा ये पूरी लेंथ जो कि कितनी है पाई आर बाय 2, समझे ना बात को। तो मैं पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आपका ए बी कितना हो गया, आपका ए बी जो डिस्टेंस अगर बोलेंगे तो हो गया पाई आर बाय 2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आर √2 या √2 आर। सिमिलरली जब आप ए सी की बात करूंगे ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जब आप ए सी की बात करोगे जरा देखो, जब आप ए सी, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचे हो, चले कैसे हो आप, चले ऐसे हो है ना, तो डिस्टेंस कितना हो गया पूरे सर्कल का आधा, तो आप समझ गए ना पूरे सर्कल का आधा मतलब 2 पाई आर बाय 2 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट, बहुत लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी गए ना, सी गए ना, तो ए से सी की तरफ शिफ्ट हुए, ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ वो कितना है, जरा देखो ये डिस्टेंस तो आर हो गया, ये डिस्टेंस भी कितना है आर ही तो है, टोटल कितना हो गया 2 आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है 2 आर। सिमिलरली आपको ये दोनों पार्ट करके लाने हैं, अपने मन से करना है होमवर्क, सोल्यूशन में मैंने आपको दे रखा है, ये देखकर आप सॉल्व करिएगा, फाइनली चेक करिएगा। चलो ये क्वेश्चन आपका फिर से क्या है, होमवर्क, सेम टू सेम ये सेमी सर्कुलर पाथ, फिर ओ हो, ये बोल रहे हैं क्लास में करने के लिए, मैंने शायद पहले डिसाइड किया होगा क्लास में, ये क्या क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है, कुछ तो होगा इसके अंदर खास बात, तभी मैंने इसको क्लास में करने के लिए चूज किया है। पढ़ लेते हैं, फिर करना आपको ही है, वीडियो पॉज करके 1 मिनट देना है। ए पर्सन मूव्स 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, ओके। कई बार तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि नॉर्थ किधर साउथ किधर, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। देखो ध्यान रख लो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसे ये
तो हमेशा ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, आपके सामने नॉर्थ, आपके पीछे साउथ, है ना। छाती तरफ हो गया नॉर्थ, पीठ तरफ हो गया साउथ। आपका सीधा हाथ बताएगा ईस्ट, तो उल्टा हाथ बताएगा वेस्ट। पाकिस्तान मतलब उल्टा हाथ और बांग्लादेश हमारे सीधे हाथ तरफ। ओ हाँ सही बात है, राइट हैंड आपको क्या दे रहा है, ईस्ट। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया। ओके तो पर्सन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पर्सन जो है मूव करता है 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, ओके फाइन, फिर 40 मीटर ड्यू ईस्ट, फिर 20 मीटर ड्यू साउथ। मैं जरा इसको पहले बनाता हूँ। तो ये एक्चुअल में 50 मीटर ड्यू नॉर्थ जाने के लिए बोल रहा है, तो मैं 50 मीटर ड्यू नॉर्थ चले जाता हूँ। ये रहा 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये मेरा पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया S1। फिर कह रहे हैं कि 40 मीटर अब ड्यू ईस्ट चले जाओ। ईस्ट किधर है स्टूडेंट्स, आपको पता है ईस्ट है इधर की तरफ, तो मुझे जाना पड़ेगा राइट, ऐसे जाना पड़ेगा। चलिए राइट जाते हैं, 40 मीटर आप चले गए राइट साइड। ये डिस्प्लेसमेंट आपका है दूसरा, कितना 40 मीटर। फिर बोल रहे हैं ड्यू साउथ, साउथ किधर है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है साउथ नीचे है, तो आपको जाना पड़ेगा नीचे, कितना 20 मीटर, बस 20। ओके चलो 20 मीटर आप चले गए, डिस्प्लेसमेंट आपका ये तीसरा है, ये आपका 20 मीटर। अब कैसे निकालोगे फाइनल डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, यही पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है क्या। देखो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को हम वेक्टर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम ज्योमेट्री लगा के भी कर सकते हैं। मैं आपको ज्योमेट्रिकल तरीका बताता हूँ और फिर वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है साफ साफ, ये इनिशियल पोजिशन है और ये फाइनल है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन की हमें चाहिए लेंथ, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, राइट। तो वो बड़ा आसान है निकालना, जैसे आपको पता है ये 50 है और 50 से ये कितना आया है 20 पीछे, तो ये एक्चुअली बच जाता है 30, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड करके कंप्लीट करूँ, तो ये हो जाता है 30 और ये हो जाता है 40, ये है 90 एंगल, ओ हो 40, फिर से बनाऊं क्या, ये 30 है और ये 40 है, तो ये तो आपको पता ही है ना स्टूडेंट कितना होगा, नहीं पता, अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर, ये कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, आप सॉल्व करो, इतना तो मैं आप पे विश्वास करता हूँ कि आप कर लेंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 50, आपसे कोई कह दे किस एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये एंगल निकाल देना थीटा, आप बिल्कुल निकाल सकते हो। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, मैं लिखूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू 40/30, मतलब 4/3, और टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, मतलब थीटा कितना हो गया, आपको याद नहीं होगा है ना, कितने लोगों को याद है, याद होना ही चाहिए, थीटा की वैल्यू होगी 53, मतलब 53 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ टुवर्ड ईस्ट, ऐसे। तो ये एक तरीका हो गया ज्योमेट्री से, कर दिया वो सवाल अपन ने। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, वेक्टर फॉर्म में लिख दो। नेट डिस्प्लेसमेंट अगर आपको बताना है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये कि आप गए S1 किधर, पहले आप गए S1 डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, फिर आप ऐसे गए, फिर आप S3 ऐसे गए, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, तो आपको उसके लिए मानना पड़ता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप मान लोगे कि ये एक्स है, आप ये मान लोगे कि ये वाई है ना, फिर आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट पहला वाला, तो पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया आपका 50 इन जे कैप, फिर आपका दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया कितना 40 इन आई डायरेक्शन, कैसे नहीं समझ में आ रहा, 50 किधर की तरफ, वाई वाई मतलब जे कैप, फिर 40 किधर की तरफ, एक्स एक्स मतलब आई कैप, फिर 20 किधर की तरफ, 20 लेकिन माइनस वाई नीचे है ना, ये वाई है तो ये माइनस वाई नहीं होगा, होगा ना भैया, तो आपको तीसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना पड़ेगा, ओहो माइनस लिखना भूल गया, 20 जी क्या। और फाइनली आपको नेट डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, वेक्टर सम ऑफ ऑल द थ्री, तो ये S1 हो गया 50 जे कैप प्लस 40 आई कैप माइनस 20
जे कैप, और ये आपने लेके आ गए 50 माइनस, देखो 40 आई कैप साथ में ले लिया और प्लस 30 जे कैप भी ले लिया, तो ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और फिर आप निकाल दो इसका मैग्नीट्यूड, फिर आप क्यों ना निकाल दो इसका मैग्नीट्यूड। प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो θ37। तो ये मैंने आपको इसलिए करवाया था कि आप ये जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रखा है सर्कल सर्कल वाला, आप और उसमें आप यहाँ से यहाँ गए ऐसा था। अब स्टूडेंट क्या करूँ, मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूँ? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको करना है, टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम का जो चैनल है इसको ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिलेगी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो मैं इसको होमवर्क करार देता हूँ। क्या क्वेश्चन है, ये पर्सन करता क्या है, साइक्लिस्ट है, ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, 10 सेकंड में एक काम खत्म कर लेता है, लेकिन वो 1 मिनट 5 सेकंड लेता है। 1 मिनट 5 सेकंड का मतलब होता है 65 सेकेंड्स, 65 सेकेंड। अरे 60 सेकेंड में तो ये 6 राउंड खत्म कर लेगा, ऐसे ऐसे 6 राउंड, और फिर यहां से स्टार्ट किया है तो 6 राउंड बाद तो यहीं पे आ जाएगा, लेकिन उसके बाद 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में तो आधे राउंड खत्म कर पाएगा ना, वो यहां से यहां पहुंच जाएगा ऐसा। तो आप समझ गए स्टूडेंट, मैंने हिंट बहुत दे दी आपको, ये होमवर्क है, सोल्यूशन है आपके पास, लेकिन आपको करना है। अब देखो ये नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, और नॉर्थ साउथ वाला करवाया ना, मंकी है ये, देखो 30 30 मीटर ड्यू नॉर्थ गया, फिर उसने राइट ले लिया, फिर तक गया, फाइनली क्लाइम कर गया, ओ हो, अब यहाँ तो 3 डायमेंशन आ गया यार, तो लगता है ये बताना पड़ेगा आपको। देखो कैसे 3 डायमेंशन करेंगे हम, जरा समझना स्टूडेंट्स, है ना। ये सपोज एक्स वाई और सपोज ये जेड एक्सिस है, तो हो क्या रहा है, एक बंदर है नॉर्थ साउथ, देखो आपको ध्यान होना चाहिए वही चीजें हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, आपको ध्यान रखना होगा कि जो ऊपर वाले डायरेक्शन है ना, ऊपर स्टूडेंट्स ऊपर, इसकी जगह अगर ऊपर आओगे तो वो होता है वर्टिकली अप, और नीचे जाओगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आप वही कर रहे हो। आप मान लो कि ये आपका ईस्ट है, मैं कैसे बताऊँ इसको, ऐसे सपोज ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ओके, और ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये क्या हो जाएगा फिर वर्टिकली अप, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स फिर डाउन। तो जरा अब मैं इस पर्टिकुलर बंदर के लिए करता हूँ, बनाता हूँ डायग्राम। क्या बोला गया है, पहले जाता है 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, इसकी इतनी हिम्मत, ओके ठीक है ठीक है, 30 मीटर ड्यू नॉर्थ मतलब पहले यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 30 मीटर ड्यू नॉर्थ गया, ऐसे पहुँचा दिया यार इसको 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, फिर इट टेक्स राइट टर्न एंड मूव 40, चलो भैया जाने दो यार इसको, ये ऐसे गया होगा 40, ये है 40 मीटर गया, फिर क्या है वो फाइनली वो वहाँ पे एक झाड़ है, तो ये झाड़ कैसा होगा, ये झाड़ हरा हरा झाड़, ये ऐसा एक झाड़ है यहाँ पे, उस पर चढ़ गया, तो उसकी किसी डाल पे जाके बैठ गया होगा, मतलब ये ऊपर चढ़ गया इतना, ये कितना ऊपर चढ़ गया है, पूरा 50 मीटर, तो ये उसकी फाइनल पोजीशन है स्टूडेंट्स। तो वो स्टार्ट करता है यहाँ से और पहुँचता है यहाँ पे, तो उसका एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा हुआ है ना। तो अब आप कैसे लिखोगे, अब आपको जो पिछली मैंने बात बताई थी ना, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो होता है कि इन्हीं हर एक छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम, ये काम में आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो देखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इतना तो मन लगाना पड़ेगा आपको। पहली बार डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका किधर, ये जेड एक्सिस है क्या, ये जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस तरफ है ना, कितना 30, हम लिखेंगे जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका -30 के कैप लिखना पड़ेगा। फिर उसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट देखो स्टूडेंट्स कैसा हुआ है, वो एक्स में हुआ है 40, पॉजिटिव एक्स में हुआ है, तो लिखना पड़ेगा ना भैया 40 आई कैप, फिर वो ऊपर गया वाई एक्सिस की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, तो आपको लिखना पड़ेगा 50, कितना 50
50 लिखना पड़ेगा ना भैया, 50 50, ये क्या है, जे कैप होगा ना बस। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है क्या करना होता है, इन सब का 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये क्या था, ये आई कैप है, और प्लस 50 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हो जाता है एक्चुअल में 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इसके आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, ये मुझे विश्वास है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है 50√2। समझे बात को स्टूडेंट्स, समझे? तो इस सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ी थोड़ी सी मुझे दिख रही है, वो ये कि मुझे यहाँ पे एक माइनस लूट करना चाहिए। कैसा माइनस? क्योंकि जैसा मैंने नॉर्थ लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस आना चाहिए। फाइन फाइन, कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, ये रहा आपका होमवर्क, ये आप करो। हर एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया वो आपको करना है, सॉल्यूशन भी दिया है, इतनी जम के प्रैक्टिस करो साला एग्जाम को डर लग जाए। होमवर्क आपके लिए, यहाँ ये आपका होमवर्क होगा भैया, मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। तो अब स्टूडेंट्स इस तरीके से हम चलेंगे, हर एक चैप्टर में आपको मिलेंगे बने बनाए नोट्स, आपको सारे एग्जाम्पल सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको हर एक कंसेप्ट में समझाऊंगा। आप करना घर पे जाके बढ़िया होमवर्क, जाओ टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन करो, और इस चैनल को भी अगर आपको फायदा हुआ स्टूडेंट्स, अगर आपको वाकई में वैल्यूएबल कंटेंट मिला है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे बताओ कमेंट में लिख लिख कर कि सर क्या करा सकता है, सर आप ऐसा कर लीजिए वैसा करिए तो और अच्छा हो जाएगा। आपके सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।